ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 29 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। विशाखा नामक नक्षत्र होगा तथा तुला राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो वो पश्चिम दिशा में होंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायक सिद्ध होगा। अगर किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दही अथवा जव खा करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मीन राशि में, वहीं चंद्रमा तुला राशि में, मंगल ग्रह कुंभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मेष राशि में, बुध ग्रह मेष राशि में, शुक्र ग्रह कुंभ राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ कर्क कन्या वृश्चिक मकर एवं मीन, ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में इनको उन्नति और प्रगति के उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ के साथ साथ नया काम, नई जिम्मेदारी, नया मुकाम भी इनको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 6 राशि वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा। सूर्योदय सुबह 6:19 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम को 6:30 पर होगा। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन जो सबसे पहला चौघड़िया रहेगा वो सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक चर और लाभ का चौघड़िया रहेगा। 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक अमृत का चौघड़िया रहेगा। दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक शुभ का चौघड़िया रहेगा तथा शाम के समय 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक चर का चौघड़िया रहेगा। इस दौरान यदि आप कोई भी शुभ काम करेंगे, मांगलिक कार्य करेंगे, नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फायदे का संयोग निर्मित हो सकता है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कोई पुराना विवाद यदि चल रहा है तो आपसी सूझबूझ से हल हो जाएगा, जिससे रिश्ते दोबारा मधुर हो जाएंगे। अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर के वर्तमान को सुधारने हेतु मनन करें और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें तथा पुरानी गलतियों को बिल्कुल भी न दोहराएं। किसी प्रकार का झूठा आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लग सकता है। अनजान व्यक्तियों की सलाह पर ध्यान न देकर अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही आपको काम करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में कोई भी लाल फूल चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा, भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने में आपकी मेहनत आज कामयाब होगी, जैसे घर और समाज में आपका योगदान रहेगा। आपके काम की तारीफ और आपको मान सम्मान भी मिलेगा। आपके आत्मविश्वास और स्वाभिमान में इजाफा होगा, परंतु अति आत्मविश्वास के कारण अपना कुछ नुकसान आप कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के कार्यों से आपको बचना चाहिए। उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में सफ़ेद फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा, भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज कुछ समय आप अपनी रुचि संबंधी कार्यों में व्यतीत करेंगे, जैसे आप मानसिक व शारीरिक रूप से काफ़ी हद तक अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी खास उपलब्धि को हासिल करने में आप सक्षम रहेंगे। कुछ समय सामाजिक गतिविधियों में आपका व्यतीत होगा। कोई ऐसा समाचार आपको मिलेगा जिससे मन में नकारात्मक विचार कुछ समय के लिए उत्पन्न होंगे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उपाय के रूप में गणेश जी को यदि आप दूर्वा चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा, भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की।
आपकी विनम्रता तथा सहयोगी स्वभाव दूसरों के लिए मिसाल बनेगा तथा घर और आसपास के वातावरण में आपकी तारीफ और मान सम्मान जैसी स्थिति रहेगी। पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना मतभेद दूर करने के लिए उत्तम समय है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके स्वभाव की वजह से लोग आपको जो है उपयोग कर रहे हैं, इसलिए किसी की मदद करने से पहले उसकी मंशा को समझना अति आवश्यक होगा, वरना लोगों की बातों में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप दही में शक्कर मिलाकर के शंकर भगवान के मंदिर में दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। भविष्य संबंधी फैसलों को लेने के लिए आज बहुत ही उत्तम दिन है। किसी अनजान व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके भाग्योदय संबंधी द्वार खोल सकती है। युवा वर्ग अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत महसूस करेंगे, परंतु उत्तेजना और क्रोध के स्वभाव से आपको बचना चाहिए। उपाय के रूप में मसूर की दाल और गुड़ गाय को खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका क्रीम होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास व आत्मबल को कमजोर न होने दे। इस समय तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और भाग्य आपका सहयोग करेगा। परिस्थितियां अनुकूल है, इसका भरपूर उपयोग आपको करना चाहिए। संतान पक्ष की चिंता रहेगी। विद्यार्थियों को अपने किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त होगी। उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में सफेद रंग का कोई भी फूल चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज परिवार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको करने पड़ेंगे जो कि बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको देंगे। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक सिद्ध होगी। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। दिन भर कुछ व्यर्थ के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे जिसकी वजह से थकान व चिड़चिड़ाहट आप महसूस करेंगे। किसी को भी पैसा उधार देते समय छानबीन अवश्य करें क्योंकि वापसी की संभावना बहुत ही मुश्किल लग रही है। इसलिए उधार पैसा देते समय बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। उपाय के रूप में भोजन के बाद एक लौंग इलायची खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आप अपनी कार्य संबंधी योजनाओं को आज बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपको एक नई दिशा प्रदान करेगी। पैतृक संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए दिन बहुत ही शुभ है। पैसों का लेन देन स्थगित रखें क्योंकि इसकी वजह से संबंधों में दरार उत्पन्न हो सकती है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी और कुछ महत्वपूर्ण काम स्थगित आपको करने पड़ सकते हैं। नए जनसंपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। उपाय के रूप में भोजन के बाद यदि आप कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज भावुकता की बजाय चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा। बच्चों की किलकारी संबंधित शुभ सूचना मिलने से परिवार में उत्सव भरा माहौल रहेगा। किसी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित दिन है। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर भली भांति विचार करें। बेहतर होगा कि किसी अन्य व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। रुपये पैसों के मामलों में किसी पर भी विश्वास न करके स्वयं ही अपने कार्यों को निपटाने का प्रयास करें। और उपाय के रूप में पक्षियों को छत के ऊपर दाना डालना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति घटित होने वाली है जिससे आपको लगेगा कि किसी देवी शक्ति या ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद आपके साथ है। अपनी प्रतिभाओं को पहचाने तथा पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या व कार्य प्रणाली पर ध्यान केंद्रित रखें। भूमि भवन वाहन संबंधी खरीद फरीक्त में अपना जो है समय अधिकतम व्यतीत होगा। उस संबंध में दस्तावेज भली भांति आपको चेक करना चाहिए। पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में चने की दाल का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की।
अचानक ही नजदीकी रिश्तेदारों के आगमन से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। किसी विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। युवाओं को अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत मिलेगी और भविष्य संबंधी फैसलों को लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत आएगी। कभी कभी आपका शंकालु स्वभाव आपके बनते कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर सकता है, इसलिए ऐसे स्वभाव से आपको बचना चाहिए। तनावपूर्ण स्थिति भी बनेगी, लेकिन आपको धैर्य और शांति से सभी कार्य आपको करना चाहिए। उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका बादामी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज ग्रह की स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में है। काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी से आपको निजात मिलेगी। आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और अपने व्यक्तिगत कार्यों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मामलों के लिए ठोस निर्णय लाभदायक सिद्ध होंगे। उपाय के रूप में यदि आप अपने मस्तक पर लाल कुमकुम का तिलक लगाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।